लास्ट टाइम मैं स्टेशन के लिए निकल रही थी रतलाम, तो यहाँ पे चिकन भुना जा रहा था, ये आँच पे, तो मेरा इतना ज़्यादा मन आ गया था और मैं खाई थी तो अभी तक मेरे मुंह में और टेस्ट है। तो मैंने भैया को बोली तो भैया बोले आप बैठो, मैं सेम आपको बना के खिलाता हूँ। और यहाँ पे बन रही है गरम गरम रोटी, तो माशाल्लाह अभी ये खाना खा के फिर हम जाएंगे दरगाह में। ये जो लास्ट है मैंने चिकन खाई थी ना, मेरे मुँह में अभी तक उसका स्वाद है, तो ये उन्होंने बनाया सेम, अभी मैं टेस्ट नहीं करी हूँ। और रतलाम में MP में अगर मटन नहीं खाए तो फिर क्या खाए, तो एक मटन की प्लेट मंगाई हूँ और एक ये चिकन मेरे लिए जो उस दिन मैंने खाई थी वो बनाने बोली हूँ, और गरम गरम चूल्हे से निकलती हुई रोटी। विलेज वाली जगह है, गांव वाली जगह है, और गांव की हवा भी शुद्ध, गांव का खाना भी शुद्ध, और गांव के लोग भी शुद्ध, ऐसी जगह पर मैं बैठी हूँ माशाल्लाह। लोबान तो माशाल्लाह अजमेर से तो मैं लाती ही लाती हूँ, पर ये लोबान देख के भी बहुत दिल खुश हो रहा है। और मौला अली मुश्किल खुशा और हुजूर पाक घोड़े, इतने अच्छे अच्छे हुजूर पाक के हाथ का, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ें हैं माशाल्लाह। तलवार, मौला अली की तलवार, और आज है जुमेरात, तो माशाल्लाह अगर चिराग रोशन करना है तो चिराग के लिए भी है, और आज है जुमेरात तो माशाल्लाह मैं तो करूँगी। आज की रौनक तो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। और पहला लोबान हो गया है, मुझे सिर्फ लोबान की खुशबू और हल्का सा लोबान मिला है। मैं जाते आते थोड़ा लेट हो गया, पैदल पैदल नियत थी कि पैदल पैदल आऊँ। हाँ, रौनक तो देखो माशाल्लाह। मौला अब्बास के विलाद का दिन और सीख ही सब खुशियों की तैयारी शुरू है। और सोचो कि ऐसे दिन में मैं बिना सोचे समझे कदम बढ़ाई और ऐसी चीज़ों में शामिल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बार तो जी हाँ, और अगली बार तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने खिदमत भी करी थी, झाड़ू वगैरह लगाई थी जी जी जी, यहाँ पे ही खिदमत करी थी माशाल्लाह जी। आज तो नौचंडी जुमेरात की रौनक ही अलग है माशाल्लाह। लोबान की तैयारी शुरू है, अब होगा लोबान, और माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोबान ये रियान जो मुझे बहुत दिल से अम्मी मानता, और ये इनकी अम्मी जो मुझे अगले महीने और अभी दोनों बार तबरुक दिए और खिदमत का मौका दिए थे, और ये यहाँ के खिदमतगार हैं। तो अभी हम चालू है लोबान, ये जेंट्स लोग की लाइन है, और यहाँ पे सामने में जो खड़ी हूँ लेडीज, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाले मिले मुझे बहुत ज़्यादा, और नसीब कि मुझे दर पर एकदम दरवाजे के बाहर खड़ा कर दे। अब मैं आ गई अंदर, और यहाँ पे बहुत खिदमत का मौका मिलता है मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हर दुखी दिल का इलाज है यहाँ पे, अल्लाह बस सबको यहाँ पहुँचाए और सबकी तकलीफें दूर करे मेरे मौला। ये हुजूर पाक के बाल मुबारक है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी गर्दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोबान के बाद मैं पहले अंदर जाकर सलामी भी भर कर आई और सारी चीज़ों को। ये बार आई हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह, आलम तो देखो, पंजे तो देखो, और ये सब मुहर्रम में निकलते बाहर सवारियाँ, और इतनी मुकद्दस जगह पे अल्लाह पाक मुझे दोबारा भेजे। चलते चलते पैर भी थक गए, मैं भी थक गई। क्या बोले भाई? आपके मुंबई में भी ऐसी
क्या पता, अब जा रहे हैं बीबी फातिमा के, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी एक ही लोबान सब जगह पे घूमता है, तो अभी वहाँ से हम निकले इमाम हुसैन और उसके बाद अब जा रहे हैं बीबी फातिमा और लास्ट में जाएंगे मामू साहब के यहाँ। लेकिन ये वाला रास्ता तो पता नहीं था, ये जैसे गाँव में रहता है ना खेतों में से निकलता हूँ और देख रहे हो कि रास्ता कितना खराब है। माशाल्लाह आज मैंने चिराग रोशन करी हूँ बीबी फातिमा के यहाँ और अब जा रही हूँ लोबान के लिए और जज़ाकअल्लाह इतनी हवाओं में भी माशाल्लाह चिराग रोशन है। अल्लाह पाक बस इस चिराग की लौ की तरह हमारी ज़िंदगी से हर परेशानियाँ लौ के साथ ख़त्म करें, आमीन। लोबान दिखाने का मतलब यह है कि मैं यकीदा रखती हूँ कि लोबान के साथ हमारी ज़िंदगी की हर परेशानियाँ दूर होती है, तो इसीलिए मैं अपने वीडियो के ज़रिए ये लोबान आप लोगों के घर तक पहुँचाना चाहती हूँ और बस मौला अली करे कि आपके घर से हर परेशानियाँ दूर हो। माशाल्लाह ये लंगर के तौर पे यहाँ पे फातिया दिलाई गई है और अपने अपने दिल की खुशी, क्योंकि अब्बास अली का आज विलादत का दिन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहन ने करी है फातिया और ये मेरी फैन है, अभी मुझे भाग कर आया कि मेरे साथ फोटो निकालना, जज़ाक अल्लाह। और ये इंशाल्लाह मैं पहले आती आती आती। ये मौला अली मुश्किल कुशा की जियारत है और लोबान लेने के चक्कर में मैं फटाफट आती हूँ और चली जाती हूँ, फिर लौट के आओ ना तो सारे आस्थाने बंद हो जाते हैं लोबान के बाद, तो फिर मैं जल्दी से भाग कर आई हूँ क्योंकि 6 बजे सब बंद हो जाते। अब मुझे बाहर सब लोग देख के बोलते फिर आ गए ये महीने में, अब मौला अली आपको बुलाते रहेंगे, दौड़ लगाते रहिए। माशाल्लाह इतना सुकून है, देखो खाली आपको देख के लग रहा होगा कि कितना सुकून है यहाँ पे, तो यहाँ जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या महसूस होता है, क्या मतलब मंजर है। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि गरीब नवाज सरकार बहुत जगह पे और बहुत सारे पीर वालियों के दर पे भेजते रहते हैं मुझे, और इससे ही मैं खुश भी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। दुनिया भर की जहान की नियामत है और सबसे बड़ी बात कि हमारे नसीब का है, शुक्रिया भाई जज़ाकअल्लाह। चलो खाते हैं थोड़ा सा। जैसे माशाल्लाह जैसे मैं बता रही थी कि अब्बास अलमदार का आज विलायत का दिन है, मतलब उनका पैदाइश का दिन है और आज के दिन ही यहाँ इमामबाड़ा खुलता है। और ये जो मेरे नसीब हुआ तो मैंने बोला कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और इतनी हाँ है, सही बात है ना। हाँ मेरे नसीब में था, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, है ना। और आज देखो ना, और अभी तो और सजावटें चालू है और सजा रहे, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। चलिए यहाँ भी माशाल्लाह बहुत इज्जत बहुत इज्जत, इतने बच्चों ने फोटो लिया, इतने लोगों ने दुआ दी दुआ ली, जज़ाकअल्लाह। बस ये मेरे गरीब नवाज सरकार का करम है जो मुझे मिला है, मेरे दामन जो इतना भरा हुआ है ये उनका दिया हुआ, उनकी झोली का दिया हुआ उतरा है जो मेरे पास पड़ा है। और इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता मैं दुनिया छोड़ूं जब तक मेरे पास से ख़त्म होगा, क्योंकि नियतों पे दारोमदार होती है दुनिया। तो माशाल्लाह ये जो चीज़ देखी है मैं रूबरू देखी हूँ, क्या बताऊँ आपको। और जहाँ जो मुझे यहाँ लेकर आए अल्लाह पाक उनको भी बस राहत दे और उनको भी बरकत दे। और बहुत सारे बच्चे बैठे खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे माशाल्लाह। चलिए फिर निकलते, आप भी देख लीजिए एक नज़र, मैं भी इंशाल्लाह फिर जल्दी आने की कोशिश करूँगी। चलो अल्लाह हाफिज़। एक और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे नसीब है, क्योंकि ये सब बंद रहते हैं, आज वहाँ विलायत का दिन है, सब खुशियाँ मना रहे थे, इसीलिए सारे सब जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है, खुशियाँ मनाने की तैयारी चल रही है, तो उसी में मुझे भी सारी चीज़ें देखने को मिल गई। ये हम पहुँचे मामू साहब और लास्ट टाइम हमने भी यहाँ पे लंगर खाए थे
और माशाल्लाह मैंने भी कुछ खिदमत की थी यहाँ के लिए, और जज़ाकअल्लाह। मुझे नहीं पता था कि एक महीने के अंदर मैं वापस यहाँ आ जाऊँगी। और जैसे कि मैंने बताई थी कि मामू साहब का जो आस्थाना है उसके ऊपर की जो गुम्मत है पूरी गरीब नवाज सरकार की जो गुम्मत है उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये गरीब नवाज सरकार के बेटे। और आज तो बहुत अलग ही रौनक है, बहुत पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है आज तो मैं पहले भाई को मिल लेती हूँ जो ये सब खिदमत करते हैं यहाँ पे लंगर का, तो इंशाल्लाह फिर बाद में जाती हूँ अंदर। पीठ दिखा के जाना नहीं चाहती थी इसीलिए अगली बार मैंने यहाँ पे खाई थी आलू की भाजी और रोटी। और करोड़पति अब्जोपति लोग बैठ के ये खाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी शिफा है। जो बेचारे गरीब लोग अपने इलाज के लिए आके यहाँ पे पड़े, जिनके पास कुछ पैसा नहीं, पानी नहीं, तो वो लोग यहाँ पे साल के 12 ही महीने डेली लंगर बनता है। तो मुझे सिर्फ पीना था कड़ी, क्योंकि आज लंगर में कड़ी नहीं, नहीं कड़ी है, मीठे चावल है, रोटी है, तो मुझे सिर्फ कड़ी पीना था क्योंकि मैं अपनी पीठ दिखा के यहाँ जाना नहीं चाहती थी। और बहुत नसीब की बात है कि इतने करोड़पति लोग यहाँ बैठ के इसकी इज्जत करते हैं, तो हमें कैसे इसको बेइज्जती कर सकते। तो फिर चलिए मैं थोड़ा खाती हूँ, ज़ियारत करती हूँ और इंशाल्लाह फिर निकलने की तैयारी करती हूँ यहाँ से। की ज़्यादा ज़ियारत है सजे आज तो, बाप रे बाप। मेरा ये देख के मेरा दिल ऐसा ललचा रहा था, और फिर जैसे देख रही थी मैं, खादिम साहब ने मेरे हाथ में रख दिए फोन यहाँ से उठा कर, माशाल्लाह। ये मामू साहब का आस्थाना, इतनी सुकून, इतनी रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल भी था कि मैं यहाँ आके मेरा व्लॉग भी एंड करूँ, इंशाल्लाह आपको भी ये ज़ियारत कराऊँ। बहुत सुकूनिया, बहुत सुकूनिया। बोलने का तो बहुत कुछ दिल में रहता है कि एंड में ये बोलूँगी वो बोलूँगी, पर मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश है तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं है। बस यही है, जो ज़ियारत मैं करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो अल्लाह बस आपकी दिल की मुरादें पूरी करे और दिली सुकून। जैसे मैं अपने दिली सुकून के लिए हर जगह जाती हूँ, तो ये कोशिश करती हूँ कि अल्लाह आपके घर तक भी सुकून पहुँचे और आपके दिल तक भी। तो क्या पता अल्लाह पाक ने इसीलिए मुझे ये खिदमत के लिए इसी चीज़ों में चुना हो। तो जो भी है मैं बहुत खुश हूँ, बस अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। चलिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की बातें।